कोरोना के विरुद्ध आओ मिलकर करें युद्ध। ये महान उद्देश्य लेकर के यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जगन्नाथ साहू वेलफेयर ट्रस्ट बड़वरा चंदौली के द्वारा संचालित ये जो विद्यालय है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जगन्नाथ साहू शिक्षण संस्थान, तो इस विद्यालय के जो ट्रस्टी हैं ये श्रीमती सुखा देवी और विद्यालय के प्रबंधक श्रीमती रेणी देवी रेणु गुप्ता जी, इन लोगों ने एक उद्देश्य लेकर के यहाँ पर जिस तरह से कोरोना कोविड 19 का जिस तरह से पूरी दुनिया में एक भयावहता है, यूरोप एशिया अफ्रीका कोई महाद्वीप बचा नहीं है, कोई देश बचा नहीं है जहां पर कि ये महामारी व्याप्त न हो। जब ये लोग टीवी पर समाचार देखे और भयावहता के इसको देखे तो इन लोगों ने ये प्रण कर लिया कि हम लोग अपने गांव को बचाएंगे, अपने क्षेत्र को बचाएंगे। ये आप क्या कर रहे हैं? ये मांस बना रहे हैं। किसने कहा मांस बनाने के लिए आपको? अपने से बना रहे हैं। ये क्या आप ये कपड़े कहाँ पाए आपने? खरीद के आया है। बहुत अच्छी बात। आप सभी लोग मास्क बना रहे हैं, क्या ये मास्क बनाने के लिए आप लोगों को पैसे भी मिल रहे हैं? जी नहीं, हम लोग अपने स्वयं की मर्जी से बना रहे हैं। बहुत अच्छी बात। ये बनाने के लिए किसने कहा आप लोगों से? ये बनाने के लिए हमारे विद्यालय के जो मैनेजर है उन्होंने कहा है। अरे वाह, बहुत अच्छी बात। और आप लोग इसमें जूझ पड़े हैं, ये स्वयं सेवा कर रहे हैं ये सभी बच्चे। ये यहाँ पर एक हमें लग रहा है कि ये काफी बुजुर्ग दिख रहे हैं। आपका शुभ नाम अंकल जी, कृपया अपना चेहरा दिखाएंगे आप? एक पल के लिए मास्क हटा लें। आपका शुभ नाम? अभिराम। ये क्या आपके ही निर्देशन में सारे बच्चे बना रहे हैं? ये मास्क बनाने के लिए आप लोग मजदूरी कितनी पा रहे हैं? 0. अच्छा, मजदूरी नहीं ले रहे हैं, निःशुल्क कर रहे हैं। बहुत अच्छा। ये करने के लिए क्या है आप लोगों के मन में, क्यों निःशुल्क सेवा कर रहे हैं आप लोग? देश के जो है सुरक्षा के लिए, गांव के सुरक्षा के लिए। कितना मास्क बना चुके अभी तक आप लोग? 700 के लगभग होगा। कितना बनाने का लक्ष्य है अभी? 1800। अच्छा, आपके गाँव की आबादी कितनी होगी? अरे ये 1700 के लगभग होगा, जो कि छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो भी जो है मांगेंगे तो उनको भी अच्छा दिया जाएगा। बड़ी अच्छी बात है। अच्छा देखिए, कोई गणना कर रहा है, कोई उसको काट रहा है, कोई रबड़ लगा रहा है, कोई यहाँ पर उसको बैठ करके मिला रहा है। ये सभी लोग अपने स्तर पर, युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं और इन लोगों का एकमात्र उद्देश्य है कि कैसे भी हो लेकिन कोरोना हमारे गाँव में न फैलने पाए। हम लोग मिल करके इस कोरोना के विरुद्ध अपने देश का जो युद्ध है उसे जीतेंगे। हम अपने देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं और जितने यहाँ पर हमारे पुलिस के जवान और डॉक्टर साहब लोग हैं वो लगे हुए हैं, तो हम लोग भी उनका योगदान करेंगे। ऐसा इन लोगों का एक विचार है, इनका जो ध्येय है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इस पवित्र उद्देश्य को लेकर के ये सभी स्वयं सेवा कर रहे हैं अपने गांव को, अपने क्षेत्र को बचाने के लिए। यदि सभी लोग ऐसा ही ठान लें तो कोरोना क्या, दुनिया की कोई भी दानव, कोई भी बीमारी हमारे देश को क्षति नहीं पहुंचा सकती। सबको सतर्क होना चाहिए। सब कुछ सरकार के ही सहारे नहीं हो सकता और सब कुछ सरकार ही क्या करेगी, हम सब सरकार ही तो हो सकते हैं। यदि सब सरकार के साथ मिल जाए तो सब सरकार हैं और देश को बचाया जा सकता है, देश को मुक्ति दिलाई जा सकती है किसी भी आपदा, किसी भी बीमारी से, और बचाया जा सकता है। और हमें लगता है कि इस तरह का जो ये बच्चे कर रहे हैं, ये जो इनके ये एक बुजुर्ग हैं लगे हुए हैं और भी गांव के लोग, तो आप लोग क्या इसको सारे गांव में बांटेंगे? सारे गांव में बांटेंगे, अभी अपने गांव में बांटने की बात करेंगे हम लोग। क्या केवल मास्क ही देना है या कुछ और भी है? नहीं, मास्क के साथ हम लोग हाथ धोने के साबुन भी देंगे। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। ये इतना बढ़िया सोच आप लोगों को ये मिला कहाँ से? ये हम लोगों ने देखा कि
टीवी न्यूज तो सब जानते हैं देश की हालत, तो फिर हमारे इस जो संस्था के ट्रस्टी हैं, मुख्य ट्रस्टी श्रीमती सुखा देवी, उनके प्रेरणाओं से उनके सलाह से हम ये कार्य कर रहे हैं। बड़ा अच्छा। इसके लिए धन का आप कहाँ से प्रबंध हुआ, ट्रस्टी ने खुद दिया या उनको कहीं से मिला है? उन्होंने खुद दिया। खुद दिया है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा। तो ये इनका जो सोच है, कोरोना के विरुद्ध आओ मिलकर करें युद्ध, हमारे देश के प्रत्येक लोगों के लिए एक प्रेरणा का काम करेगा। यदि सभी लोग अपने गांव में, अपने क्षेत्र में इस तरह का अगर कुछ प्रण कर लें, तो निश्चित रूप से भारत विजय से कोई रोक नहीं सकता है। हमारा संपूर्ण भारत स्वस्थ होगा, मजबूत होगा, और कोई भी विपदा हमारे देश को कभी भी पीछे धकेल नहीं पाएगी। ये सरकार की सहायता से इस गांव में अन्न का वितरण हो रहा है, और भी सहायताएं आएंगी। तब तक इन लोगों ने ठाना है कि सरकारी सहायता पहुंचने में यदि देर भी हो तो हम स्वस्थ रहेंगे, अपने देश को सुरक्षित रखेंगे, अपने गांव को सुरक्षित रखेंगे, आपदा से डट कर लड़ा जाएगा। बहुत सुंदर विचार, धन्यवाद बड़ौरा के इन स्वयं सेवकों को और इनके ट्रस्टी को, जिन्होंने इतना अच्छा सोचा और उनका सहयोग करने के लिए इतने लोग आ गए। बहुत सुंदर प्रयास, अभिनव प्रयास।